निसंतान होना कोई अभिशाप नहीं है। आज के युग में जो दंपत्ति इस समस्या से जूझ रही है, वे भी अति आधुनिक विधियों द्वारा संतान सुख की प्राप्ति कर सकती है। एक विवाहित जोड़े को लगभग एक साल के आपसी संभोग के बाद संतान सुख की प्राप्ति हो जानी चाहिए। यदि उसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती तो उसे डॉक्टरी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। देखा गया है कि कई बार डॉक्टरी सलाह पहले भी ले लेनी चाहिए, जैसे कि एक कपल की शादी लेट हुई है, या वाइफ की एज ज़्यादा है, या कोई वाइफ को माहवारी में प्रॉब्लम है, या हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम आ रही है। औरतों में बांझपन की समस्या का प्रमुख कारण है ट्यूबों का बंद होना, अंडा ना बनना, या फिर बच्चेदानी में नुक्स होना, या रसौलियाँ होना, या बच्चेदानी का साइज छोटा होना। ट्यूबें बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये ट्यूबें नलों की ट्यूबरक्लोसिस के कारण बंद हो सकती है, या जब लेडी को इन्फेक्शन होती है जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, उसके कारण भी ट्यूबें बंद हो सकती हैं, या एक लेडी के जब रिपीटेड अबॉर्शन, रिपीटेड गर्भपात होता है तो उसके बाद भी इन्फेक्शन के कारण ट्यूबें बंद हो सकती है। अंडेदानी की जो समस्या है उसमें जो प्रमुख कारण है वो है कि अंडा नहीं बनता, या अंडा जब बनता है तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, या फिर अंडेदानियां ही फेल हो जाती है कि वो अंडा नहीं बना पाती। दूसरा जो कारण है अंडेदानी का है वो है अंडेदानी में रसौलियां होना, जो कि खून की भी हो सकती है रसौली, जिसको हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं, या फिर पानी की रसौलियां होना। बच्चेदानी के जो कारण है जिसके कारण एक लेडी को बच्चा नहीं ठहर सकता, उसमें है फाइब्रॉइड्स, जिनको हम रसौलियां बोलते हैं। दूसरा जो कारण है बच्चेदानी का वह है कि बच्चेदानी का जो साइज है छोटा है, बच्चेदानी की तय जो है वह कमजोर है और बच्चा नहीं पकड़ सकती। फिर जो कारण हो सकता है कि बच्चेदानी के मुंह पे सोजिश है, इन्फेक्शन है, जिसको हम सर्वाइकल इरोजन भी बोलते हैं, और इस इन्फेक्शन के कारण बच्चा नहीं ठहर सकता। जब भी एक निसंतान जोड़ा हमारे पास आता है, दोनों हस्बैंड वाइफ के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले जो आदमी के टेस्ट किए जाते हैं वो है सीमन एनालिसिस। इसमें देखा जाता है कि हस्बैंड के स्पर्म का काउंट क्या है, कितने स्पर्म्स हैं, क्या स्पर्म फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, जिसको हम फिर सीमन कल्चर करते हैं। यदि कोई सीमन में प्रॉब्लम आए, यानी कि जैसे स्पर्म काउंट कम है या बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर एक आदमी के और टेस्ट भी किए जाते हैं। देखा जाता है कि ये स्पर्म्स क्यों नहीं बन रहे, इसके लिए एक आदमी के हार्मोन ऐसे किए जाते हैं, उसके बाद गोलियों की स्कैनिंग की जाती है, और अंदर से भी पानी निकाल के देखा जाता है कि स्पर्म्स अंदर बन रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं, अंदर से भी स्पर्म्स बन नहीं रहे, और यानी कि कोई ब्लॉक है कि नहीं है। एक लेडी के जो टेस्ट किए जाते हैं, सबसे पहले एक बेसलाइन स्कैन किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी बच्चेदानी ठीक है, बच्चेदानी की लाइनिंग ठीक है, अंडेदानी की कोई समस्या तो नहीं है। फिर उसके बाद लेडी के हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि उसकी अंडे बनने की क्षमता क्या है, उसको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं, या और कोई हार्मोनल समस्या तो नहीं। फिर लेडी की ट्यूब्स की जांच की जाती है। जो ट्यूब्स की जांच है वो तीन तरह से की जा सकती है। एक तो हम एक्सरे के जरिए कर सकते हैं, जिसको हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। दूसरा जो है वो है अल्ट्रासाउंड के जरिए, जिसको हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। और तीसरा जो एक लेडी के पेट में दूरबीन डाल के किया जाता है। इन टेस्ट के बाद देखा जाता है कि लेडी की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बच्चेदानी के मुंह पे, जिसको हम कॉल्पोस्कोपी टेस्ट कहते हैं, और उसका पानी लेके भी जांच की जाती है। कई बार देखा गया है कि एक दंपत्ति जब हमारे पास आती है, उन दोनों के टेस्ट हुए होते हैं, काफी सारे टेस्ट हुए होते हैं, और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर फिर भी वे संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उन केसेस में स्पेशली ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनको हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज कहते हैं, जबकि एक आदमी का स्पर्म और उसकी वाइफ का एग का मिलन नहीं हो पाता, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देती। आज के युग में वो आदमी भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है जिसको स्पर्म्स की समस्या हो, जिसमें स्पर्म्स कम हो या स्पर्म्स बिल्कुल नहीं हो।
ऐसे केसेस के लिए एक स्पेशल विधि आती है जिसको हम इक्सी विधि कहते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है जिसमें हमने इक्सी करनी है, जिनमें स्पर्म्स नहीं है, जिसमें कि एक आदमी के जो स्पर्म्स हैं अंडकोश से निकाले जाते हैं और एक एग और एक स्पर्म का मिलन माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है और 48 से 72 घंटे के बाद भ्रूण बना के लेडी के यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में रखा जाता है। इस विधि को इक्सी विधि कहते हैं और इससे जिस आदमी के स्पर्म्स बहुत कम हैं या बिल्कुल ही नहीं बाहर आ रहे, जिसको हम ब्लॉकेट भी कहते हैं, वह भी अपने स्पर्म से संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। जब एक लेडी की ट्यूब्स बंद होती हैं तो एग और स्पर्म का मिलन नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसे केसेस में या तो हम ये ट्यूब्स खोलते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा, जिसको हम IVFET कहते हैं यानी कि परख नली शिशु विधि द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ऐसे केसेस में एक लेडी को इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि पीरियड्स के दूसरे दिन से शुरू किए जाते हैं और एग्स बनाए जाते हैं यानी कि अंडे बनाए जाते हैं। जब ये एग्स मेच्योर हो जाते हैं तो ये एग्स अल्ट्रासाउंड के जरिए बाहर निकाले जाते हैं, मशीन द्वारा निकाले जाते हैं और फिर जो काम ट्यूब में होना है यानी कि एग और स्पर्म का मिलन, वो एक IVF लेबोरेटरी में किया जाता है। स्पेशल मशीन आती है जिसको हम एक कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर कहते हैं। इसका वातावरण